वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल गैरोला और मेरा ये चैनल है भाई मोटर्स बुल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत सारे दोस्त यार अपनी यूट्यूब फैमिली जो बहुत पुराने टाइम से हमसे जुड़ी हुई है उन लोगों का भाई वेलकम। एंड बहुत टाइम के बाद मैं बलिनो में बैठ करके आज वीडियो बना रहा हूँ। और क्योंकि भाई मैं आया हूँ अपने घर पे, जिन भाइयों को नहीं पता वो देख सकते हैं, ग्रीनरी आप लोगों को दिख रही है भाई बहुत अच्छे तरीके से। ये ग्रीनरी एक्चुअली आजकल बरसात का सीजन था तो भाई ये घास वास जो है लंबी वंबी हो गई है। और ये रहा मेरा घर इस तरफ। तो भाई मैं हूँ अभी विकास नगर में और विकास नगर पड़ता है भाई देहरादून में। हम लोगों का जो भाई राजधानी है, यानी कि जो हमारे स्टेट उत्तराखंड की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है अपनी देहरादून में। तो ये देहरादून के नियर ही है, जिन भाइयों को नहीं पता जो नए जुड़े हैं। और मैं करता हूँ भाई बलिनो ओन 2023 से मार्च में मैंने ये कार खरीदी है। कितने किलोमीटर चला दी है, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं और उनका कंसर्न होगा कि भैया काफी टाइम से आपने बलिनो नहीं दिखाई चैनल में, बलिनो लेकर के नहीं आए आप, तो आज मैं लेकर के आता हूं। तो भाई बिल्कुल वैसी कंडीशन में बलिनो है जैसी आप छोड़ के गए थे, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगता इस गाड़ी का वीडियो बनाने का। अब रीजन क्या हो जाता है कि मैं रिव्यू वगैरह ये सारी चीजें करने में बिजी हो जाता हूं, तो इस कार के रिगार्डिंग कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना इसकी वीडियो भाई आप लोगों के बीच में आ पाती है। आज की इस वीडियो में आप लोग क्या देखोगे, आप लोग देखोगे कि इस गाड़ी में ना बेसिकली मेरे को क्या लगता है कि मारुति वालों को इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आ रही है, बलिनो जेटा की बात कर रहा हूं मैं, चार वेरियंट आ जाते हैं इसमें, सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा। जेटा जो कि अभी मैं ओन करता हूं 2023 से ये गाड़ी मेरे पास है। और इसमें जो कमियां मेरे को नजर आई है ना, देखो वो कमी नहीं मैं बात करने वाला कि इसमें भाई आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, ये है वो है सो है, ऐसी कोई बात नहीं करने वाला। उसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है चैनल पे, जिन भाइयों को नहीं पता है वो वीडियो का थंबनेल आप लोगों को दिख रहा होगा, चैनल विजिट कीजिए और वीडियो सर्च करके आप देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ना मैं इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में बलिनो जेटा आती है, मैं प्राइस नहीं बताने वाला, आपके शहर में आप लोगों को पता है भाई, क्योंकि डिस्काउंट भी इस गाड़ी पे इस टाइम पे चल रहे हैं जैसा आप लोगों को पता है, क्योंकि भाई मैंने ना पिछली बार इग्निस की वीडियो को डाला था, रिव्यू किया था उसका, 5 लाख रुपए मैंने उसमें लगाया था थंबनेल पे। बहुत सारे भाई ऐसे बेवकूफ हैं, वो मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, उन्हें वीडियो नहीं देखनी होती है भाई, बेसिकली उन्हें कमेंट इतने गलत गलत करने होते हैं, भाई 5 लाख रुपए में कहां गाड़ी मिल रही, भाई वीडियो देखो यार, उसमें 5 लाख एक्स शोरूम लिखा हुआ है मैंने, और मैंने साथ में वीडियो में हर चीज को डिटेल में कह रखा है कि गाड़ी का एक्स शोरूम कितना है, डिस्काउंट कितना है, आप अपनी स्किल से कितना डिस्काउंट ले सकते हो, कैसे आप उसको एक्स शोरूम 5 लाख में खरीद सकते हो। लोग सोच रहे हैं कि वो 5 लाख रुपए में ऑन रोड पड़ेगी, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि मारुति वालों ने धर्मशाला खोला हुआ होगा, है ना, वो भी बिजनेस करने बैठे हुए हैं भाई, वो भी अपनी 8 लाख रुपए की गाड़ी, 6 लाख रुपए की गाड़ी को जो है बिल्कुल ऐसे नहीं दे देंगे, सेल नहीं लगा रखी भाई उन्होंने, सीधी बात है, डिस्काउंट अपनी जगह होता है और सेल अपनी जगह होती है। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो एक अलग सिनेरियो है उस वीडियो का। देखो मुझे जो कमी लगी, सबसे पहले मैं इंटीरियर से बात करता हूँ आप लोगों से। देखो यार, पिछली जनरेशन की जो बलिनो थी उसमें आप लोगों को यहाँ पे ना ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता था। 2022 में ये वाला जनरेशन चेंज किया इन्होंने, फेसलिफ्ट चेंज किया गाड़ी का, और उसके बाद आप लोगों को ये मैनुअल वाला IRVM देना स्टार्ट कर दिया। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि प्राइस बढ़ा दिए और भाई फीचर कम कर दिए, क्या मतलब था इसे चेंज करने का, है ना, ये होना चाहिए था ऑटो डिमिंग। आज भी मैं मारुति से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कहीं से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मारुति के अगर कहीं पे भी भाई मेरी वीडियो जा रही है, उनके पास पहुंच रही है, तो यार इसे ऑटो डिमिंग कर दें प्लीज, ये नेसेसिटी है, ये होना चाहिए गाड़ी में। दूसरा ये है भाई, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है भाई, जेटा है ये, ठीक है। इसमें स्टेयरिंग पे आप लोगों को यहाँ पे सुनापन नहीं नजर आता है, क्या आपको नहीं लगता है कि इस स्टेयरिंग पे इनको क्रूज कंट्रोल देना चाहिए था, भाई हमने कितने पैसे पे किए हैं आप लोगों को पता है, जिन भाइयों के पास ये गाड़ी, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है अपनी जो YouTube फैमिली है, उन लोगों के पास काफी लोगों का बलिनो जेटा है, तो इसमें क्रूज कंट्रोल क्या आप लोग मिस नहीं करते हो भाई, करते हो ना भाई। सबसे अब वो भी बात करूंगा मैं कि सबसे मेरे को ऐसा फीचर कौन सा लगता है जो बकवास है, जो मेरे समझ से बाहर है, वो है भाई HUD, यहाँ पे जो इसके कंट्रोल होते हैं, और यहाँ HUD होती है, एक स्क्रीन जो फ्लिप होके सामने खड़ी हो जाती है ना कांच वाली, वो भी आपको थोड़ा सा कुछ इंडिकेट करती है, स्पीड वगैरह दिखाती है आपको, वो चीज भी भाई बेकार है मेरी नजरों में। अगले फीचर की बात करता हूँ, क्योंकि वो HUD अगर जेटा में नहीं है तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो बकवास फीचर है। ये देखो मैंने गाड़ी का इग्निशन ऑन कर दिया, अब आप देख सकते हो भाई इसमें, ठीक है, इग्निशन ऑन कर दिया भाई, इतने सारे फीचर हैं इसमें, जैसे कि मारुति क्लेम करती है कि इसमें बीच में आपको MID मिलती है, MID का फुल फॉर्म होती है भाई मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिन भाइयों को नहीं पता है ये, फिलहाल तो इसमें फ्यूल कम है। अब इसमें क्या है,
मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, इसे बताता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ इन्फॉर्मेशन तो है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, रेंज है, यहाँ देख सकते हो आप, ये सारी आप लोगों को बहुत से भाई आप लोगों को ना ये फीचर्स दिखाती है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है इसका, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर मिसिंग है इससे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कौन सा है। भाई मैं बता ही देता हूं, वह है भाई TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि इतने पैसे आप लोग पे कर रहे हो, भाई हुंडई दे रहा है, टाटा दे रहा है, कहीं पे भी आप चले जाओ महिंद्रा दे रहा है, हर एक कंपनी आप लोगों को ये फीचर प्रोवाइड कर रही है। लेकिन भाई इन्हें कोई सुध नहीं है, ये पता नहीं कहां जापान में सोए हुए हैं, पता नहीं किस लेवल की गाड़ी बना रहे हैं। इनके लिए फीचर पता क्या है, ड्राइवर साइड वन टच डाउन वन टच अप का फीचर दे देते हैं ये लोग, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर दे देते हैं ये लोग। इनके लिए ये फीचर है भाई, ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड दोनों तरफ आप लोगों को बाहर से रिक्वेस्ट सेंसर दे देंगे। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, जैसे यहां से दिखाऊंगा, देखो यहां रिक्वेस्ट सेंसर दे दिया आपको, ऐसा ही आपको उस तरफ मिल जाएगा और ऐसा ही आप लोगों को डिग्गी में मिल जाता है। ये इनकी नजरों में भाई फीचर है, ठीक है। अब देखो अगर ये रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड ही हो, इस तरफ ना हो, तो क्या फर्क पड़ता, मुझे तो नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ता है, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता भाई इन चीजों से। दिल खुश कहां पे होता है इस गाड़ी में, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देख करके, ऑटो एसी देख करके थोड़ा दिल खुश हो जाता है कि बेस वेरिएंट सही दे रहे हैं, अच्छी बात है यार। लेकिन आपको नहीं लगता कि TPMS और ये रिक्वेस्ट सेंसर काट के इसकी जगह अगर TPMS दे देते तो कितनी बढ़िया बात हो जाती, ठीक है। ऑटो डिमिंग IRVM होगा कितने का भाई, अगर मान लो ये 500 रुपए का IRVM है तो वो ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 रुपए का ही होगा, तो आप लोग क्या इतने पैसे पे नहीं कर रहे हो क्या। अगली चीज बताता हूं, यहां देखो भाई ये टिकट होल्डर है ना, यहां पे कोई मिरर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, भाई क्यों दुख दे रखा है इसमें, क्या दिक्कत थी इसमें एक 10 रुपए का मिरर लगाने में, कितनी कॉस्ट कटिंग हो जा रही थी। इस तरफ मिरर होना चाहिए था, लाइटिंग होनी चाहिए थी, लाइटिंग ना देते मिरर दे देते भाई, ठीक है। इधर चलता हूं मैं, यहां पे आप लोगों को मिल जाता है मिरर एयरबैग की बैजिंग के साथ, कोई लाइट वाइट नहीं है भाई, पता नहीं मतलब क्या स्ट्रेटेजी है, क्या वेरिएंट को डिफाइन करने की स्ट्रेटेजी है इनकी। और ये यही आप लोगों को ना, ये जो आप लोगों को टिकट होल्डर दिख रहे हैं, बेस से लेकर जेटा तक ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो वेरिएंट है उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है लाइटिंग, और ये बाकी आपको ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल सुना अपन जिंदगी में, ठीक है भाई। मारुति वालों या तो पैसे ना लो, और पैसे लो तो इन फीचरों का थोड़ा ख्याल रखो यार। देखो अगले फीचर की बात करते हैं, यहां आ जाते हैं, इधर देखो भाई आप, यहाँ वाइपर है भाई। टाटा भले ही इंजन के मामले में पिछड़ गया है, ठीक है, पर यार सचमुच अगर एक बात देखें ना, टाटा बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया दे रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वालिटी वाइज वो इंटीरियर भाई लाजवाब बना रहे हैं। इस टाइम पे अगर मैं बात करूं ना, उनकी जो इंटीरियर को डिजाइन करने की जो क्वालिटी है ना, टॉप नॉच है। और उसके साथ साथ भाई यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर, भाई टॉप से एक वेरिएंट नीचे ही तो है रेन सेंसिंग वाइपर देने का, ये तो टॉप में भी नहीं आ रहा, और रेन सेंसिंग वाइपर तो मुझे नहीं लगता किसी गाड़ी में है भी मारुति के, ठीक है भाई, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है यहाँ पे, ठीक। इन चीजों की कमी खलती है भाई, बहुत खलती है। अब जेटा वेरिएंट था, आप लोगों को देखो यहाँ स्टेयरिंग व्हील पे मैंने जो ये कवर लगा रखा है ना, ये मैंने एडिशनल लगा रखा है, यानी कि एक्सेसरीज लगा रखी है, बाहर से मैंने परचेज किया था, जो भी 500-700 रुपए का जैसा भी लिया होगा, मुझे तो याद भी नहीं है आज। और भाई ये मैंने फिर इसके बाद चढ़ाया, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इस स्टेयरिंग व्हील पे आप लोगों को लेदर चढ़ा करके देना चाहिए था इस प्राइस रेंज में, एक्सपेक्ट कर सकते हो यार आप बिल्कुल, ठीक है। अब देखो सीटें, ये सीट कवर भाई मैंने दिल्ली जाके इंस्टॉल करवाया, ठीक है, दिल्ली गया वहां से इंस्टॉल कराया और तब इस पे लगाया लेदर के, भाई मुझे तो बिल्कुल लगता है कि मेरा पूरा अधिकार था और पूरी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इस प्राइस रेंज की गाड़ी में लेदराइट सीटों की, जो कि नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मुझे लगता होना चाहिए। मैं बुराई नहीं कर रहा भाई इस गाड़ी की बिल्कुल भी, ठीक है भाई, नो डाउट इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो लाजवाब है। अब होगा क्यों नहीं भाई, मारुति वाले हर महीने जब भी फेसलिफ्ट लॉन्च करते हैं, हर साल में ये कहना चाहूंगा, महीना तो मैंने गलत कह दिया, यानी कि जब भी ये लोग नया फेसलिफ्ट लेकर के आते हैं ना, किसी भी कार का, किसी भी मॉडल का, स्विफ्ट कर कह लो, बलिनो कह लो, कोई सी भी गाड़ी कह लो, उसका वेट कम करते चले जाते हैं। अभी स्विफ्ट लॉन्च करी इन्होंने, ठीक है, जब स्विफ्ट पुरानी वाली आती थी फर्स्ट जनरेशन में तो 1000 kg के आसपास का उसका वेट होता था, आज की डेट में वो 800-850 kg की रह चुकी है, ठीक है। तो वहां भाई तुम जैसे ही गाड़ी का वेट कम करते चले जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी गाड़ी एवरेज तो देंगी ना भाई, ठीक है।
और ये क्या हो जाता है ग्लोबल एनकैप में जब सेफ्टी रेटिंग निकल के आती है ना तो जीरो स्टार रेटिंग लेकर के आती है गाड़ियां। और ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कंट्रीज में ये ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये इंडिया में चल रहा है इन लोगों का गेम, ठीक है। यहाँ की मार्केट को समझते हैं, आरएनडी करते हैं और उस हिसाब से हम लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। भाई आप खुद दिल से सोचना, मेरी गाड़ी है यार, अगर कोई मारुति वाला इस वीडियो को देख करके ये बोलेगा ना कि तूने मारुति की बुराइयां कर दी, तो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सच में भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि इस पे मैंने पैसे खर्च कर रखे हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा हो चुका है मेरे साथ एक बार, ठीक है। गाड़ी पे वीडियो बनाई, उन लोगों को मतलब है कि तूने तो मारुति की कार पे वीडियो बना दी, भाई मारुति की गाड़ी मेरी कार है यार, मैंने पैसे दे रखे कंपनी को, भाई लोन भरता हूं मैं इस गाड़ी का, ठीक है। और जो भी है भाई अपनी गाड़ी है, अपने आप पैसे भर रहा हूं, अपने पैसे से खरीद रखी है भाई, मेरा मन करता है मैं कल आग लगा दूं, मेरा मन करता है मैं कैसे कुदवा दूं, मैं नदी में डालूं, मैं कुछ भी करूं भाई, मेरी मर्जी, सीधी सी बात, ठीक। तो ये चीजें मुझे ना सेटिस्फाई नहीं करती, सच में बता रहा हूँ, ये बहुत गलत लग रही है मेरे को चीजें। अब चलता हूं मैं बाहर, वहां से समझाता हूं मैं आप लोगों को कि क्या हो सकता था इस गाड़ी में, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो क्या हो सकती थी। नो डाउट काम किया है मारुति ने पीछे की तरफ, इसमें मेरी गाड़ी में तो आपको दो ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिख रहे होंगे, लेकिन एक महीने बाद ही जो इसका नया वेरिएंट मतलब नया जो लॉन्च हो गया था BS6 फेज 2, ये तो फेज 1 में है, तो वहां पे तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ साथ आपको 3-pointer सीट बेल्ट भी मिलने शुरू हो गई थी, तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है भाई अच्छा काम कर रही है मारुति, है ना, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है जो कॉम्पिटिशन में ये पिछड़ जाती है गाड़ी, वो पता क्या है, इलेक्ट्रिक सनरूफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ होनी चाहिए थी, मैं नहीं कह रहा जेटा में तो अल्फा में दे देते यार, है ना, बलिनो में होनी चाहिए। कंपटीशन में टाटा की अल्ट्रोज और हुंडई की i20 में दोनों ही गाड़ियों में आप लोगों को सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ सनरूफ का ऑप्शन नहीं दे रखा इन लोगों ने, भाई क्या बेवकूफ समझ रहे हो लोगों को, भाई सीधी सी बात है ना। अब इंजन ऐसा बैठा दिया इसका वेट कम करके, गाड़ियों के वेट को तो तुम चूस रहे हो दिन प्रतिदिन, और चूस चूस के तुम जब इसका वेट कम कर रहे हो तो कह रहे हो तुम हमारी गाड़ियां तो एवरेज दे रही है, अबे एवरेज तो ऑब्वियसली देंगी जब गाड़ी का तुम वेट कम कर दोगे, जब इसमें वेट इन रखोगे। हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज करती है मारुति, ऐसा मारुति क्लेम करती है, तो भाई सेफ्टी रेटिंग जीरो क्यों आ रही है इन गाड़ियों की, खुद सोचो ना। चलो उस बग वो तो चलो अलग पॉइंट है कि भाई क्या है बॉडी ऑडी क्या है क्या नहीं है। अब चलता हूँ मैं बाहर, वहां से बात करता हूँ भाई। अब फ्रंट में आ गया हूँ मैं, यहाँ पे आप लोगों को नो डाउट प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए जाते हैं LED लाइट्स के साथ बलिनो जेटा में, लेकिन भाई सबसे बड़ी बात है यहाँ फॉग लैम्प क्यों नहीं मिल रहे आप लोगों को कंपनी फिटेड, ये भी दिल्ली से डलवाया मैंने, आफ्टर मार्केट डला रखे हैं भाई अब, ठीक है, जो कि होनी चाहिए थी फॉग लाइट, ऑब्वियसली इसमें होनी चाहिए थी। ORBM पे चलते हैं, पिछली जनरेशन बलिनो आती थी उसमें आप लोगों को ORBM ऑटो फोल्डेड मिलते थे, यानी कि जब आप की को प्रेस करते थे तो उसके बाद क्या होता था कि ये फोल्ड अनफोल्ड हो जाया करते थे, अब नहीं हो रहा ऐसा। अब भाई आप की को जैसे प्रेस करोगे गाड़ी लॉक करोगे तो ये फोल्ड नहीं होने वाले, रिले डलवानी पड़ेगी 1800 रुपये के आफ्टर मार्केट, उसके बाद ये फोल्ड अनफोल्ड होंगे, एक फीचर ये हो गया, ठीक है। वाइपर इनके देख लो भाई आप, ठीक, ये आप लोगों को 4 लाख की गाड़ी में भी मिलेंगे और 10 लाख की गाड़ी में भी मिलेंगे, 15 लाख की गाड़ी में भी मिलेंगे, ऐसे इनके वाइपर हैं। अब चलता हूँ मैं पीछे, सबसे पहले तो आप एंटीना देख लो, ठीक है भाई, बच्चे बहुत हल्ला करते हैं, एंटीना आप लोगों को मिल जाता है भाई रेगुलर, बिल्कुल सार्क फिन देने की कोई शर्म नहीं आई इन लोगों को कि इसमें सार्क फिन एंटीना दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। जेटा में आने के बाद मिलता है वाइपर, देखो भाई अब लाइटें देखो आप, पिछली जनरेशन आती थी बलिनो की उसमें आप लोगों को LED नहीं मिलता था, ये पूरा का पूरा टेल लाइट वाला पोर्शन आज भी नहीं मिल रहा है जबकि मिलना चाहिए था, लेकिन ये जो जलती हुई लाइटें हैं ना ये बहुत सारी थी, यहाँ पे 3-4 जलती थी, ठीक है, तो ये भी नहीं जल रही हैं, ये 1, 2, 3, 4 कर दी हैं, पता नहीं बल्ब के कितने पैसे लग रहे थे समझ नहीं आ रही है, ये भी 3 डॉट में तो इनका सिग्नेचर है चलो कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट पता नहीं क्यों डिग्गी पे डाल दिया ताकि ये टूटे और कस्टमर की जेब से पैसे जाएं, है ना, ये इसलिए डाला गया है, ये भी जला देते थोड़ा इल्यूमिनेट हो जाता तो अच्छा सा लगता, बाकी तो भाई पीछे से मुझे ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। एक और चीज़ दिखाता हूँ डिग्गी खोल के भाई आप लोगों को, यहाँ पे इस तरफ आप लोगों को एक यहाँ पे एक्स्ट्रा टायर मिल जाता है, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गाड़ी में आप लोगों को अपोलो के टायर मिलते हैं, वही मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है, ये जो आपको अपोलो के टायर मिल रहे हैं ना, इतनी बकवास कंपनी है भाई अपोलो, भाई सच में बहुत बकवास कंपनी है ये, ठीक है, इतने गंदे घटिया टायर हैं इसके कि मैं बता नहीं सकता। MRF का टायर डलवाओ जब भी डलवाना है आप लोगों को भाई, 16-17 हज़ार किलोमीटर होता ही क्या है, बहुत ज़्यादा घिस गए हैं, 10-10 पंचर लग चुके हैं गाड़ी में, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है,
आराम से लग गया। खैर अलॉय व्हील पे भी आते हैं, लेकिन ये देखो इसमें आप लोगों को 1 इंच छोटा टायर दे रखे हैं, दे रखा है ठीक है भाई। 16 इंच का टायर गाड़ी में मिल रहा है स्टॉक में, जो आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, और बूट में डाल रखा है 15 इंच का स्टेपनी जो है। क्या मतलब बैठता है इन बातों का, और कहते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर आप गाड़ी की स्पीड ना रखें। तो भाई अब ऐसा तो है नहीं कि साइकिल की स्पीड से चलाएंगे टायर डलवा, एमरजेंसी तो भाई किसी के साथ भी हो सकती है, कोई मतलब नहीं है भाई इन लोगों को ठीक है, दूर दूर तक। अब आते हैं अलॉय व्हील पे। अब देखो अलॉय व्हील भाई, पिछली जनरेशन में जो अल्फा में अलॉय व्हील मिलते थे वही जेटा में मिलते थे, यहाँ पे डायमंड कट नहीं है जेटा में इस बार अलॉय व्हील, जो कि होना चाहिए था मेरे पर्सपेक्टिव से ठीक है। यहाँ आपको वही अलॉय व्हील दिए जाते हैं सिल्वर पेंटेड ठीक है, इतने गंदे हैं। फ्यूचर में तो भाई मैं चेंज करूंगा पक्का इन अलॉय व्हील को, 100% मैं चेंज करूंगा। अब इस पे पता है दुख क्या है इसका, अगर ये पत्थर पे लग जाती है या कहीं पे ऐसी जगह से गाड़ी निकालते हो ना आप, पक्का डैमेज होना है इन्होंने। देखो यहाँ पे ये पूरा भाई स्क्रैच हो रखा पार्टी पूरा का पूरा, और ऐसा एक जगह पे नहीं है भाई, ये देखो इस तरफ देखो, ऐसा ये अलॉय व्हील हर जगह लगे हुए हैं यहाँ देखो ठीक है, मतलब जगह जगह से आप लोगों को ये डैमेज मिलेगा ये वाला पार्ट, ये इसका और अलग दुख है ठीक है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक भाई ये जो नेक्सा ब्लू कलर है ना, डिसकंटिन्यू कर दो इस, इतना घटिया तो ये कलर है भाई। खैर वो तो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि वो मेरी चॉइस है कि मैं अपनी चॉइस से गाड़ी खरीद रहा हूँ, कभी मत खरीदना भाई। आप लोगों को यही कहूँगा कि इस कलर में तो आप कृपया बलिनो को ना कंसिडर करो, उसका कारण मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। हालांकि फ्रंट में आप लोगों को LED मिल जाता है, सब कुछ बेटर है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है भाई, अंधा कर देती है लाइट सामने वाले को, अगर आप कभी गाड़ी चला रहे हो ना और सामने से कोई बंदा आ रहा है तो अंधा कर देगी ये सच में ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ठीक। तो ये मेरे दिल का गुम्बार था जो आज मैंने इस वीडियो में बाहर निकाला, और अगर आप भाई मेरी वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को ज़रा सा भी लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है, होनी चाहिए थी ये चीज़ें, एक आधा चीज़ें छूट भी गई होंगी भाई है ना, जो मैंने इसमें डिफाइन नहीं करी होंगी, लेकिन चलो वो चलता है, जो काम के फीचर थे मैंने बता दिया कि ये होने ही चाहिए थे इस कार में, होने ही चाहिए थे, वो नहीं है तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो जिन भाइयों को लगता है कि मेरी बात बिल्कुल सही है, आप भी एक्सपेक्ट करते हो, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो भाई बलिनो ओन करते हैं या आप लोगों के यार दोस्त हैं जानने वाले बलिनो, भाई मुझे क्या दिक्कत थी इतने पैसे देने की, मैं भी अपनी भाई पड़ोसी की तरह स्विफ्ट ले आता, उसमें क्या कमी थी है ना, अच्छी खासी थी, कोई दिक्कत नहीं भाई, बलिनो पे जाता क्यों है बंदा। पहले अगर आप जेटा खरीदते थे ना 2022 से पहले जब जेटा आती थी तो वैल्यू फॉर मनी सौदा था वो, आज की डेट में ये लिटरली वैल्यू फॉर मनी नहीं है सच में ठीक है, क्योंकि भाई कॉस्ट कटिंग के नाम पे इतना सब कुछ कर रखा है ठीक। सेम प्लेटफॉर्म पे खड़ी या सेम कंपटीशन में आप लोगों को और ऑप्शन है आपके पास मार्केट में, और इसमें भी आप लोगों को भाई थोड़ा सा ना क्रॉसओवर वाला जो है वो वाला मिल जाता है सेगमेंट, तो क्यों बंदा बलिनो पे जाएगा। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि बलिनो बुरी कार है, मैं कह रहा हूँ कि एक हैचबैक के हिसाब से, और भाई मेरे जैसे प्यार करने वाले बंदे के जो बलिनो लवर है, जबकि मैं एक पहाड़ी लड़का हूँ, अभी कुछ दिनों बाद ही मैं एक अपनी ट्रैवल करने वाला हूँ इस गाड़ी से, लेकर के जाने वाला हूँ इसे भाई, उस कंडीशन में भी मैं इस कार को रख रहा हूँ, और उसके बावजूद भी, क्योंकि मुझे लिटरली लगाव है इस गाड़ी से, है ये अच्छी गाड़ी ठीक है। अब जो कमियाँ हैं वो मैंने बता दी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है नहीं आई है, क्योंकि वीडियो हो गई बहुत ज़्यादा लंबी। और भाई अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मोटरबुल को। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।